बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन द डिमांड ऑफ मोहम्मद सहबाज बीएससी ऑनर्स थर्ड सेम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैमू बिलोंग टू कैमू बिहार। प्रॉब्लम है द सम ऑफ थ्री पॉजिटिव नंबर इज यूनिटी, व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ देयर प्रोडक्ट। यानी तीन पॉजिटिव नंबर है, उनका प्रोडक्ट यूनिटी है यानी वन के इक्वल है, और हमको फाइंड करना है उनके जो प्रोडक्ट की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो। तो इसके लिए हम लेट कर लेते हैं तीन नंबर ऐसे जिनका सम यूनिटी है। लेट द नंबर नंबर्स यानी पॉजिटिव नंबर्स बी एक्स वाई एंड वन माइनस एक्स माइनस वाई। तो ये तीन नंबर हमने ये ले लिए, और इन तीनों का अगर सम करके देखें हम यानी एक्स प्लस वाई और वन माइनस एक्स माइनस वाई, तो देखेंगे इनका सम जो होगा वो यूनिटी यानी वन के इक्वल आएगा। तो अब हमें इनके जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को दिखाना होगा, ये मैक्सिमम उसकी वैल्यू कब होगी, कितनी होगी, व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ देयर प्रोडक्ट, उनके प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू। तो उसके लिए हम एक फंक्शन कंसीडर करते हैं। लेट अस कंसीडर ए फंक्शन पी जो इनके प्रोडक्ट को डिनोट करेगा, और पी की वैल्यू यानी पी की मैक्सिमम वैल्यू हमको फाइंड करनी होगी। इन तीनों नंबर का प्रोडक्ट हमसे मैक्सिमम वैल्यू इसकी फाइंड करने के बोला जा रहा है। तो इसके लिए अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे जिस पर ये डिपेंड कर रहा है। ये डिपेंड कर रहा है एक्स पर और वाई पर, यानी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स और वाई हैं, और यहाँ पर पी डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इस पी को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में और वाई के रिस्पेक्ट में। तो पहले हम इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो एक्स के लिए वाई कॉन्स्टेंट है, तो इस वाई को तो हम लिख लेंगे यहाँ पर बाहर, और इसमें दो फंक्शन हो जाएंगे फर्स्ट और सेकंड एक्स के लिए, ये इनका प्रोडक्ट का करना होगा डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो इसका डिफरेंशिएशन जब करने गए तो वन का तो ज़ीरो हो जाएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन वन कांस्टेंट का ज़ीरो हो जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट, सेकंड फंक्शन हमने इसको माना है यानी वन माइनस एक्स माइनस वाई को, और फर्स्ट फंक्शन एक्स को लिया था जो कि वन के इक्वल आ गया क्योंकि एक्स के लिए वाई कॉन्स्टेंट था, इससे तो हमने पहले ही बाहर लिख लिया था। तो ये दो रह गए थे, इनको हमने फर्स्ट और सेकेंड मानते हुए डिफ्रेंशिएट किया। थोड़ा सा सॉल्व कर लें इसको, और ये वैल्यू हो जाएगी वाई इंटू माइनस एक्स और प्लस ब्रैकेट को हटा रहे हैं तो वन माइनस एक्स माइनस का वाई। अब एक्स देखने कलेक्ट कर लेंगे, माइनस के टू एक्स हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी वाई यहाँ पर बाहर है वन पहले लिख दिया और माइनस का टू एक्स और माइनस का वाई उसको लिख दिया, ये वैल्यू आई है डेल पी ओवर डेल एक्स की। इसी तरीके से हम लोग वैल्यू फाइंड कर लेंगे डेल पी ओवर डेल वाई की, पी एक्स वाई पे भी डिपेंड कर रहा है। तो अब y के लिए x कांस्टेंट होगा, तो x को यहाँ पर हम बाहर लिखते हुए x को बाहर लिख लेंगे। अब ये दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन बचेगा, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो जब इसका डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, x का 0 हो जाएगा, तो ये 0 0 हो गए और y का y के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट यानी 1 माइनस एक्स माइनस वाई को ऐसे लिख देंगे और y का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, एक्स इंटू इस वाई का वन में इंटू होगा यानी माइनस वन में, तो माइनस का वाई हो जाएगा प्लस वन माइनस एक्स माइनस वाई, वन का इंटू है यही आ जाएगा, और इसको ठीक से लिख दें यानी वन पहले लिख दिया और माइनस का एक्स और ये वाई वाई माइनस के टू टाइम्स वाई हो गए, ये वैल्यू आई है डेल पी ओवर डेल वाई की वैल्यू आई है। अब मैक्सिमा मिनिमा के बारे में बात कर लेते हैं। फॉर मैक्सिमा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ पी, हम लोग जानते हैं पी के मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू के लिए उसके जो डेरिवेटिव होते हैं यानी पी का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव वो भी जीरो के बराबर होता है यानी फर्स्ट डेरिवेटिव, और सेकेंड वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन भी जीरो के बराबर होगा। इसकी वैल्यू भी हमने ऊपर निकाली थी, ऊपर देख के लिख लें,
वाई टाइम्स वन माइनस टू एक्स माइनस वाई है, ये वैल्यू ज़ीरो के बराबर। और इसी तरीके से ये बी वैल्यू ऊपर निकाल के रखी हुई है, एक्स टाइम्स वन माइनस एक्स माइनस का टू वाई, ये वैल्यू ज़ीरो के बराबर। इन दोनों इक्वेशन को, यानी इसे इक्वेशन नंबर वन डाल लें और इसको इक्वेशन नंबर टू डाल लें, इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करके पेयर ऑफ इक्वेशंस बनाएंगे, जिससे जो हमको एक्स और वाई की वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, यानी एक्स वो पॉइंट्स मिल जाएंगे उनसे, जिससे जिस पर बता सकेंगे फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा है, उसको हम चेक कर सकेंगे और हम मैक्सिमम वैल्यू जो हमसे कही गई है वो हम फाइंड कर सकेंगे। तो इसके लिए इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन इक्वेशन वन एंड टू, इक्वेशन वन और टू से, या हम ऐसे लिख सकते हैं इक्वेशन वन एंड टू प्रोवाइड कर रहे हैं हमें, प्रोवाइड फोर पेयर्स, ये हमको फोर पेयर्स देंगे, इक्वेशन वन और टू फोर पेयर देंगे ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशंस वाइडली सेट। ये इक्वेशन हमको मिलेंगे वाई इक्वल टू ज़ीरो, ये दोनों का प्रोडक्ट ज़ीरो है, या तो ये ज़ीरो होगा या ये ज़ीरो होगा, जो हमने इसको इसके साथ में ले लिया। ये भी यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्स इक्वल टू ज़ीरो, तो ये एक पेयर हो गया। दूसरा पेयर तब मिलेगा जब हम इसको इसके साथ लेंगे, यानी वाई बराबर ज़ीरो, और वाई बराबर ज़ीरो लिया और ये वाला फैक्टर ले लें एक्स माइनस वन माइनस एक्स माइनस टू वाई बराबर ज़ीरो, एक पेयर ये मिल गया। अभी हमने क्या लिया, वाई बराबर ज़ीरो इसका लिया और इन दोनों के फैक्टर के साथ में हमने इसको रखा, तो ये इक्वेशन मिल गया। ऐसे इसको हम लेंगे और इन दोनों फैक्टर के साथ में लेंगे, तो एक ये हो जाएगा वन माइनस टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू ज़ीरो और एक्स बराबर ज़ीरो। इसी तरीके से इस फैक्टर को इस वाले फैक्टर के साथ मिलेंगे, तो वन माइनस टू एक्स माइनस वाई बराबर ज़ीरो, और ऐसे ही वन माइनस एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू ज़ीरो। अब ये जो चार हमें पेयर मिले हैं, एक पेयर ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, इन सबको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके हमें जो भी पॉइंट्स मिले उनको निकालेंगे। तो हम देख रहे हैं कि शुरुआत से हमें पॉइंट्स मिलेगा विच गिव्स पॉइंट्स, जो हमको पॉइंट्स देंगे, यानी इससे तो पॉइंट मिल रहा है, देखिए क्लियरली 0.0 मिल रहा है, और यहाँ से भी हम आसानी से निकाल सकते हैं कि y की वैल्यू तो देख रहे हैं 0 के बराबर है, और जब हम y इज इक्वल टू 0 यहाँ रखेंगे तो x की वैल्यू 1 मिल जाएगी, और एक पॉइंट यहाँ से मिल जाएगा आसानी से। जब हम x बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 0 रखने पर y की वैल्यू यहाँ से 1 के इक्वल आ जाएगी। अब इससे थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, तो रफली से आप सॉल्व करके यहाँ पर वो पॉइंट लिख सकते हैं कितना होगा। तो इसको हम रफली दिखा सकते हैं, आप चाहें तो फेयरली इक्वेशन डाल के फिर सॉल्व कर सकते हैं, तो फिर भी काम कर सकते हैं इसमें। तो जिस तरीके से यहाँ पर ये 2y है, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर लें और फिर इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो इसको फेयरली दिखा देते हैं इसको। जब इक्वेशन नंबर इस इक्वेशन में, यानी लास्ट पेयर में के फर्स्ट इक्वेशन को हम जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस फोर एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, और इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 डाल दें और उसको हम इससे सेकेंड जो फर्स्ट पेयर लास्ट पेयर था उसका सेकेंड इक्वेशन है 1 माइनस का एक्स माइनस का टू वाई इजिकल टू ज़ीरो, इसके साथ में माइनस कर दें, इस इक्वेशन को हम 4 डाल दें, तो इसको माइनस करें, आप इसे रफली सॉल्व करके वहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको वाई को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो माइनस कर देंगे, तो ये वाई एलिमिनेट हो जाएगा और 2 में से बन जाएगा तो 1 आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस माइनस का 3x है, राइट हैंड साइड में 0 है, 1 बराबर 3x उधर जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/3। ये x की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 में या 4 में या लास्ट के ये दोनों इक्वेशन हैं इनमें से किसी में भी रख दें, हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम इस वाले इक्वेशन में रख दे रहे हैं, यानी 1-2x-y में, तो 1-2x-y = 0 में x बराबर हम रखेंगे 1/3, इससे हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो
तो इसे सॉल्व करेंगे। पहले हम वाई को उधर ले जाएं और तब तक इसमें अपान मन करते हुए एलसीएम थ्री लेंगे, थ्री माइनस टू इजिकल टू वाई, उधर पहुँच के प्लस हो गया तो वाई की वैल्यू भी 1/3 आ गई। यानी इससे मैं पॉइंट एक्स की वैल्यू पहले ही निकाली थी हम लोगों ने, जो कि 1/3 आई थी, और वाई की वैल्यू 1/3। यानी ये हमें चार पॉइंट्स मिले हैं यहाँ पर। इन पॉइंट्स पर देखना है कि हमारा ये फंक्शन मैक्सिमा कब है और मिनिमा कब है। हम लोग जानते हैं मैक्सिमा या मिनिमा तब हम लोग निकाल सकते हैं, तब फाइंड कर सकते हैं, जबकि आर एस आर टी माइनस एस स्क्वायर के बारे में पता हो कि ये पॉजिटिव हो, तभी हम कह सकते हैं। तो इसको पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले इन आर और एस और टी की वैल्यू निकालेंगे। आर क्या होता है, आर की वैल्यू क्या होती है, आर होता है हमारा सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है। पी जो भी फंक्शन हमने लिया है, यू हो या जो भी पी हो, तो हमने पी लिया फंक्शन, प्रोडक्ट को डिनोट कर रहा है, और ये तब निकल पाएगा जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव हम लोग निकाल चुके थे, यानी डेल पी ओवर डेल एक्स की वैल्यू हम लोग निकाल चुके थे, ऊपर से हम देख के लिख ले रहे हैं जो वैल्यू सॉल्व होने के बाद आई थी वाई, और ब्रैकेट में 1 - 2x - y ये वैल्यू थी। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, दोबारा चेक कर लेते हैं इसको। तो इसको x के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएशन करने जा रहे हैं, तो चूँकि इनटू में y है, तो उसको हम y को बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट है x के लिए, और इसको जब डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं इस ब्रैकेट को, तो 1 का जो 0 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू एक्स का 1 हो जाएगा, और x के लिए y कांस्टेंट है तो उसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ओनली माइनस का 2 r की वैल्यू आ गई, माइनस का 2y होगी। और जिस तरीके से r की वैल्यू निकाली है, उसी तरीके से हम t की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, क्योंकि t जो है वो डेल 2 पी ओवर डेल y स्क्वायर को डिनोट करता है, और डेल ओवर डेल y को, यानी डेल p ओवर डेल y को दोबारा से डिफ्रेंशिएट कर दें y के रिस्पेक्ट में। तो डेल p ओवर डेल y की जो वैल्यू है वो हमने पीछे भी निकाली थी, एक्स और एक्स ब्रैकेट में है 1 - x - 2y, इसको हमें वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ पर ये वाई के लिए एक्स कांस्टेंट है, तो डिफ्रेंशिएशन के साइन से बाहर ले लेंगे, और इस ब्रैकेट को जब डिफ्रेंशिएट करने जाएंगे तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, एक्स का 0 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू में कांस्टेंट, और वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, इसकी वैल्यू माइनस की 2x आ गई, डायरेक्ट भी हम लोग लिख सकते थे। अब हमें s की वैल्यू और फाइंड कर लेना चाहिए। तो s होता है हमारा सेकेंड डेरीवेटिव ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। तो इसे ऐसे निकाल सकते हैं जो हम अभी फाइंड कर चुके हैं, डेल p ओवर डेल y, तो उसको दोबारा से x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें, और ये वैल्यू तो हमने ऊपर ही रखी थी यहाँ पर। तो डेल ओवर डेल x, डेल p ओवर डेल y की वैल्यू हमने अभी यहाँ रखी है, वो नोट कर लें पीछे से, x - x - 2y। अब यहाँ x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करने जा रहे हैं, तो ये दो फंक्शन है, फर्स्ट और यहाँ पर सेकेंड, मान लें इसको, और इसको डिफ्रेंशिएट कर दें। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मिलेगा फर्स्ट फंक्शन एज ही डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1 का 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, और x के लिए y कांस्टेंट तो इसका 0 हो जाएगा, और प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट, यानी 1 - x - 2y, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन यानी x का x रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1। तो ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस एक्स हो जाएगा, और इसको हटाने ब्रैकेट को, तो 1 - x - 2y। इस तरीके से ये वैल्यू एस की वैल्यू है हमको 1 - 2x है, और माइनस का 2y एस की वैल्यू हमको मिल गई। ये चार तीनों वैल्यू आर एस और टी हमारे पास हैं। अब इन सारे पॉइंट यानी चारों पॉइंट पर इनकी वैल्यू को चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो हम अपना 0.0 पॉइंट पर चेक कर लेते हैं। तो 0.0 पॉइंट पर आर की वैल्यू देख, एट पॉइंट 0.0 इस पॉइंट पर देखते हैं, एट पॉइंट 0.0 हम लोग देखेंगे कि r की वैल्यू कितनी होगी। r चूँकि अभी हमने निकाली थी माइनस का 2y थी, और चूँकि y की वैल्यू 0 है तो इसलिए r की वैल्यू यहाँ पर 0 आई है। s की वैल्यू अभी निकाली थी 1 - 2x - 2y, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 है, इसलिए ये s की वैल्यू 1 के इक्वल आ गई। और t की वैल्यू निकालेंगे तो वो भी माइनस का 2x थी, और x की वैल्यू चूँकि 0 है यहाँ पर, तो इसलिए ये वैल्यू 0 की वैल्यू हो गई।
अब हम ये वैल्यू निकालने के बाद चेक करते हैं कि आर टी माइनस एस स्क्वायर कितना है। तो आर और टी दोनों की वैल्यू जीरो के जीरो के बराबर है और एस की वैल्यू वन थी, वन का स्क्वायर करेंगे तो वन आ जाएगा, लेकिन माइनस पहले लगा तो ये वैल्यू माइनस वन आ गई और ये वैल्यू ज़ीरो से छोटी नज़र आ रही है हमको, यानी ज़ीरो से छोटी है ये वैल्यू। तो इसमें जो है हम कह सकते हैं यहाँ पर अगर ज़ीरो से छोटी आती है आर टी माइनस एस स्क्वायर तो लिख दें हम हैंस देयर ये वो पॉइंट है देयर इज नाइदर ए मैक्सिमम नॉर ए मिनिमम ऑफ पी एट ज़ीरो कामा ज़ीरो, यानी इस पॉइंट पर ना तो मैक्सिमम हमको मिलेगा और ना ही मिनिमम मिलेगा। अब दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, यानी एट पॉइंट वन कामा ज़ीरो पॉइंट पर देख लेते हैं। इसी तरीके से आर की वैल्यू निकालेंगे तो आर की वैल्यू ऊपर ही नज़र आ रही है, माइनस टू वाई है और वाई की वैल्यू चूँकि ज़ीरो है तो ये वैल्यू तो ज़ीरो हो गई। एस की वैल्यू जो कि थी वन माइनस का टू एक्स माइनस का टू वाई, यहाँ पर एस रख दीजिए एक्स की जगह पर वन और वाई की यहाँ पर ज़ीरो, तो ये वैल्यू सॉल्व होकर माइनस के वन के इक्वल आ रही है। और फिर टी की वैल्यू भी निकाल के रखें, टी की वैल्यू जो है वो माइनस का टू एक्स थी और एक्स की वैल्यू वन के इक्वल है तो इसलिए माइनस का टू आ रही है। अब हमें सबसे पहले चेक करना होता है मैक्सिमा मिनिमा के लिए कि ये आर टी माइनस एस स्क्वायर कितना है। तो आर और टी, आर की वैल्यू ज़ीरो है, टी की वैल्यू माइनस का टू है, एस की वैल्यू माइनस वन है, तो ये वैल्यू तो ज़ीरो हो जाएगी और ये माइनस वन का स्क्वायर वन हो जाएगा। इस तरीके से ये वैल्यू जो है वो माइनस का वन आ गई, कुल मिला के ज़ीरो से छोटी है। तो इसमें भी हम वही चीज़ लिख देंगे, हैंस जो ऊपर लिखी थी देयर इज़ नाइदर ए मैक्सिमम और नोर ए मिनिमम ऑफ पी एट वन कामा ज़ीरो। अब तीसरा पॉइंट और ले लेंगे, चार पॉइंट हैं, दो पॉइंट तो हमारे ये बेकार चले गए, तीसरा पॉइंट और चेक कर लेते हैं एट पॉइंट ज़ीरो कामा वन। तो इन पॉइंट पर भी समेटे से पता चल रहा है कि ये भी बेकार जाएगा। तो आर की वैल्यू जो कि माइनस का टू वाई थी और कि वाई की वैल्यू यहाँ पर वन के बराबर है तो माइनस टू हो गई। फिर एस की वैल्यू निकालेंगे, एस की वैल्यू माइनस टू एक्स माइनस का टू वाई थी, इसमें वैल्यू पुट करेंगे जब एक्स की जगह पर तो ज़ीरो रखना है, वाई की जगह पर हम वन रखेंगे तो ये वैल्यू माइनस का वन आ जाएगी। और फिर टी की वैल्यू निकालेंगे और टी की वैल्यू जो कि माइनस का टू एक्स है और एक्स की वैल्यू ज़ीरो है तो ये टी की वैल्यू ज़ीरो के बराबर आ रही है, इसलिए हम चेक करेंगे दोबारा से आर टी माइनस एस स्क्वायर। तो आर और टी, आर की वैल्यू माइनस टू है, टी की वैल्यू ज़ीरो है, एस की वैल्यू माइनस वन है, स्क्वायर करेंगे दोबारा से ये वैल्यू माइनस वन जो कि ज़ीरो से छोटी, और लिख देंगे वही हैंस देयर इज नाइदर ए मैक्सिमम नॉर ए मिनिमम वैल्यू ऑफ पी एट ज़ीरो कामा वन। अब लास्ट पॉइंट और बचा हुआ है जिस पर मैक्सिमा या मिनिमा हमको मिलेगा, एट पॉइंट जो पॉइंट है लास्ट वन बाई थ्री और वन बाई थ्री, ये पॉइंट देखें, इस पर चेक करें कि आर की वैल्यू कितनी थी, आर की वैल्यू माइनस टू वाई थी और यहाँ से वाई की वैल्यू चूँकि वन बाई थ्री है तो माइनस का टू बाई थ्री हो गया। और एस की वैल्यू निकालें, फाइंड करें जो कि वन माइनस एस की वैल्यू थी माइनस टू एक्स माइनस का टू वाई, यहाँ पर इस पॉइंट पर निकालना है तो एक्स की वैल्यू रखनी होगी वन बाई थ्री और वाई की वैल्यू भी रखना होगी वन बाई थ्री, और ये सॉल्व करेंगे तो फोर टाइम्स वन बाई थ्री हो जाएगा, तो वन माइनस का फोर अपान थ्री हो जाएगा, यानी जैसे भी सॉल्व करें आप, और इसकी वैल्यू माइनस के वन बाई थ्री सॉल्व करने पर ये वाली आ रही है माइनस का वन बाई थ्री। अब टी पॉइंट पर और हम निकाल लेते हैं इसको, जो कि माइनस का टू एक्स है और एक्स की वैल्यू वन बाई थ्री है तो ये वैल्यू माइनस का टू बाई थ्री। जब तीनों वैल्यू हमारे पास हैं आर एस टी की, तो फिर हम इनका यूज़ करते हुए सबसे पहले जो चेक करते हैं मैक्सिमा मिनिमा के लिए आर टी माइनस एस स्क्वायर को, तो आर की वैल्यू अभी हम लोगों ने जो फाइंड की है वो माइनस टू बाई थ्री है और एस की वैल्यू भी इतनी, टी की वैल्यू भी इतनी आई माइनस टू बाई थ्री माइनस एस स्क्वायर और एस की वैल्यू है माइनस वन बाई थ्री और उसका करना है होल ऑफ स्क्वायर।
तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, 3 × 3 = 9 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। और एलसीएम लिया 9, तो 4 में से 1 माइनस होगा, 3/9 हो जाएगा, 1/3 आ जाएगा। और 1/3 ये वैल्यू आई है आर टी माइनस एस स्क्वायर की, जो कि पॉजिटिव है। अब इस पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा होगा, लेकिन मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा ये कौन बताएगा? ये बताता है आर का जो साइन होता है वो, क्योंकि आर की वैल्यू अभी हमने जो फाइंड की थी वो आई थी माइनस का 2/3, और ये है 0 से less than। जब आर 0 से कम होता है तो हम कह सकते हैं कि एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट कह सकते हैं आर की साइन के, आर के साइन चूँकि निगेटिव है, आर जब निगेटिव होता है तो मैक्सिमा, और आर निगेटिव पॉजिटिव होता है तो मिनिमा होता है। तो एट दिस पॉइंट यानी 1, 3, 1/3 आर की वैल्यू निगेटिव है, इसलिए पी जो हमारा फंक्शन था इज मैक्सिमा। तो इस पॉइंट पर पी जो होगा वो मैक्सिमा होगा, अगर आर पॉजिटिव होता तो पी मिनिमा होता। तो अब हमें इसमें मैक्सिमम वैल्यू भी निकालनी है, तो पी की अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो पी मैक्सिमा की वैल्यू निकलेगी किससे? पी की वैल्यू x(y)(1 − x − y) के इक्वल है, और ये मैक्सिमम तब मिलेगी जब हम x की वैल्यू रखेंगे 1/3 और y की वैल्यू 1/3 रखेंगे। रख दें यहाँ पर x यहाँ 1/3, y की यहाँ 1/3, 1 − 1/3 − 1/3, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये तो 1 × 1 = 1 हो जाएगा, 3 × 3 = 9 हो जाएगा। और इनका एलसीएम जब 3 लेंगे अपान 1 करते हुए, तो 3 − 1 − 1, तो ये 1/9 × ये 3 में से 2 माइनस हो जाएगा अपान में 3, तो ये वैल्यू बचेगी 3 और 1 का डिफरेंस 1 हो जाएगा, और 9 × 3 = 27। तो इसलिए जो मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई थी फंक्शन की, यानी वो तीनों नंबर जो इनका सम तो 1 के इक्वल है, लेकिन उनका जो प्रोडक्ट मैक्सिमम प्रोडक्ट होगा वो हम लोग जानेंगे कि 1/27 होगा। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी वाकृत दवाना अलहमदुल्ला रबीआलमीन।